आज मैं लाया हूँ तीन ऐसे फ्रेजेज जिसे आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि एडवांस इंग्लिश में अक्सर इन फ्रेजेज का यूज किया जाता है। तो आइए फ्रेंड देखें कि वो क्या फ्रेजेज है। पहला वर्ड है थ्रो थिक एंड थिन, मुसीबत के वक्त या मुसीबत के समय। जैसे सिर्फ गॉड मुसीबत के वक्त आपकी मदद कर सकता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ऑनली गॉड कैन हेल्प यू। थ्रो थिक एंड थिन यानी मुसीबत के वक्त सिर्फ गॉड आपकी मदद कर सकता है। मुसीबत के वक्त हमारी कौन मदद करेगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हु विल हेल्प अस। थ्रो थिक एंड थिन यानी मुसीबत के टाइम या मुसीबत के समय हमारी कौन मदद करेगा। मेरे पड़ोसी मुसीबत के वक्त मेरी मदद किए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई नेबर हेल्प्ड मी। थ्रो थिक एंड थिन यानी मुसीबत के वक्त मेरे पड़ोसी मेरी मदद किए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि जब आपको कहना हो मुसीबत के वक्त या मुसीबत के समय तो आप कहेंगे थ्रो थिक एंड थिन। आइए फ्रेंड्स अगला वर्ड देखते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ यानी के अतिरिक्त या को छोड़कर। जैसे अगर आपको कहना हो तुम्हारे अतिरिक्त या तुम्हें छोड़कर सब आए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ऑल केम विद द एक्सेप्शन ऑफ यू यानी तुम्हें छोड़कर सब आए। तुम्हें छोड़कर सब पास हो गए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ऑल पास्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ यू यानी तुमको छोड़कर सब पास हो गए। इंग्लिश को छोड़कर मैं सब कुछ सीख सकता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कैन लर्न एवरीथिंग विद द एक्सेप्शन ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश को छोड़कर मैं सब कुछ सीख सकता हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया, विद द एक्सेप्शन ऑफ का मतलब को छोड़कर या के अतिरिक्त। आइए फ्रेंड्स अब लास्ट वर्ड देखते हैं, ओवर एंड अबव मींस के अलावा। अगर आपको कहना हुआ लापरवाह के अलावा बेईमान है, यानी वह लापरवाह तो है ही साथ में बेईमान भी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ओवर एंड एवर केयरलेस ही इज डिसऑनेस्ट यानी लापरवाह होने के अलावा वह बेईमान है, शरीफ होने के अलावा वह ईमानदार है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ओवर एंड एवर बीइंग जेंटल ही इज ऑनेस्ट यानी शरीफ तो वह है ही साथ में वह ईमानदार भी है। भूखा होने के अलावा मैं प्यासा हूँ यानी भूखा तो मैं हूँ ही साथ में प्यासा भी हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ओवर एंड एवर बीइंग हंग्री आई एम थर्स्टी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ओवर एंड एवर का मतलब समझ में आया कि जब आपको कहना हो के अलावा तो आप कहेंगे ओवर एंड अबव। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये तीनों टॉपिक्स आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स अगर वाकई आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।